ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं अन्य खबरों की ओर। नागपुर मेट्रो वर्धा रोड पर 3 और स्टेशन बनाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में वर्धा रोड पर मेट्रो का आखिरी स्टेशन खापरी है, जिसे जामठा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यूसीएन से खास बातचीत के दौरान महामेट्रो के एमडी ब्रजेश दीक्षित ने ये जानकारी दी। खापरी स्टेशन हमारा लास्ट स्टेशन है अभी, और मगर जो मेहान एरिया उसके और आगे बुटीबुरी के तरफ डेवलप हो रहा है। उसके जो इंस्टीट्यूशनल एरिया हैं, उसके जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, और इवन एनआईटी का भी यहाँ पे प्लान है डेवलपमेंट का। और उसके बाद जो अमरावती बाईपास है, और उसके बाद जामठा है, और देन बुटीबुरी है। तो इस तरफ डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। और खापरी लास्ट स्टेशन होने के बाद करीब 1 किलोमीटर के बाद हमारा ये डिपो है, और डिपो की जो लैंड है वो रिबन शेप की है और करीब 3 किलोमीटर लंबी है। तो उसमें हमारी ट्रैक तो आने ही वाली है, चूंकि डिपो है तो ट्रैक आएगी ही, मगर चूंकि ये जो सारे इंस्टीट्यूशनल एरिया मेहान के और रेजिडेंशियल एरिया उसके साथ साथ ही हैं, तो आइडिया ये था कि चूंकि ट्रैक बनी रही है तो अगर उसके साथ अगर कुछ स्टेशन बन जाते हैं तो मेहान के इन एरियाज को ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, जामठा क्रिकेट स्टेडियम भी कनेक्ट हो जाएगा, और उसके आसपास की जो पॉपुलेशन है इवन दे कैन गेट बेनिफिटेड बाय द कनेक्टिविटी। दैट इज द आइडिया, एंड इट्स एट अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज, डिस्कशन इज गोइंग ऑन, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ कॉस्ट वी विल टेक अप द इशू। पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए नागपुर मेट्रो ने पिछले 1 जुलाई को अंबाजरी तालाब के पास वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए दी गई 24 एकड़ जमीन पर करीब 5,500 पौधे लगाए थे। करीब 11 महीने के बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महामेट्रो के एमडी ब्रजेश दीक्षित ने इस जगह को एक छोटे से जंगल में तब्दील करने का संकल्प लिया है। सर, आज से करीब 11 महीने पहले मेट्रो ने यहाँ पे 5,500 पौधारोपण किया था। क्या स्थिति है, कितना बचा पाए हैं आप? नहीं, वो सर्वाइवल ऑलमोस्ट फुल है, और थोड़े बहुत जो डैमेज हुए थे वो रिप्लेस हो गए हैं, एंड दे आर सर्वाइविंग, नॉट ओनली सर्वाइविंग बट दे आर थ्राइविंग, यू कैन सी। यहाँ पे क्या सर और भविष्य का क्या योजना है, और इसको डेवलप करेंगे या कुछ? नहीं बिल्कुल, इसको हम लोगों ने लिटिल वुड कहा है, और आइडिया ये कि एक छोटा सा फॉरेस्ट अर्बन एरिया में है। हम लोग चाहते हैं कि ये फॉरेस्ट का पूरा फुल ग्रोन फॉरेस्ट का रूप ले, लोग यहाँ पर आके इसका लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें। अर्बन एरिया में एक छोटा सा फॉरेस्ट जो है उनको एक फीलिंग देगा कि फॉरेस्ट कैसा होता है। बहुत सारे लोग अपने डे टू डे के काम की वजह से जा नहीं पाते हैं बाहर, तो यहाँ पर लोग चूँकि आसपास पूरा सब ये रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रोज आ सकते हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए, जॉग करने के लिए, और उनके लिए हम जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं, बेंचेस लगा रहे हैं, पॉन्ड्स बना रहे हैं, बर्ड्स के एरिया बना रहे हैं, बर्ड्स पैराडाइज, और यहाँ पर हम लोगों ने इसका स्प्रिंकलिंग का भी इंतजाम किया हुआ है, तो प्लांट्स जो हैं उनको पानी मिल रहा है लगातार, और इस बार की जो बरसात आएगी उसमें इसकी ग्रोथ और बहुत अच्छी होने की संभावना है, किशोर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान काफी पेड़ कटे हैं, आप पे कंपल्सन तो था एक के प्रति पेड़ 3 पेड़ लगाने का, आप काफी उसको सीरियसली ले लिए लगता है? नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी थी 3 लगाने की, और बट हम लोगों के लिए, हम लोगों ने उसको मिशन के तौर पर लिया कि विल नॉट ओनली प्लांट 10 बट विल सी दैट दे ग्रो, दे थ्राइव, एंड दे रियली कन्वर्ट इन टू ए रियल स्मॉल फॉरेस्ट, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू सी, बिकॉज विद इन द टाइम द मेट्रो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड दिस विल बिकम ए रियल फॉरेस्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मद्देनजर रविवार को मेट्रो द्वारा विकसित की जाने वाली इको पार्क में पौधारोपण किया गया। ये जो साइट है हम लोगों के कार मेंटेनेंस डिपो की है, और इसके एक हिस्से को हम लोग इको पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं, और आज चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून, तो यहाँ का प्लांटेशन ड्राइव हम लोग आज उस दिन शुरू कर रहे हैं, और ये एक बहुत एडवांस यू कैन से क्वालिटी का पार्क होगा,
जहां पर कि डिफरेंट जोन्स विल केटर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो इको प्रोटेक्शन. देर विल बी एग्री जोन, देर विल बी फॉरेस्ट जोन, देर विल बी सम ग्रीन पैचेस, देर विल बी सम एंटरटेनमेंट थिंग्स एंड देर विल बी अ मेट्रो स्टेशन ऑल्सो हियर इन फ्यूचर. And this will be part of our car maintenance depot, where not only the metro people, but people from the surrounding areas also can come and enjoy nature.